हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष अकेडमी पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड के नियमों का जो है पालन कर रहे होंगे यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पे जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियोस जो है आज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी भाई बहन के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आज, जो भारत सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, या लगभग सभी जो है स्टेट हैं, लगभग सभी जो राज्य हैं उनकी जो अपनी सरकार है उनकी तरफ से जो है आपका जो फ्री टैबलेट योजना जो है शुरू की गई है, यानी कि जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है फ्री टैबलेट स्कीम जो के तहत जो है फ्री टैबलेट दिया जाएगा। और इसमें जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड करी थी कि जो सरकार ने डिसीजन लिया था कि जो फ्री टैबलेट स्कीम में क्या करेंगे कि जो टैबलेट के बदले जो है एक अमाउंट, यानी जो जितने का टैबलेट होगा उतनी अमाउंट जो है स्टूडेंट्स के जो है खाते में, अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और उत्तराखंड में जो है अभी जो है कुछ कॉलेज ने जो है इसके लिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ उस कॉलेज में अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए नोटिफिकेशंस भी दे दिया है कि आप किस तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज जिस कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस कॉलेज ने जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को जो है यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन दे दिया है ऑलरेडी। और इसमें जो है बहुत सारे जो है विद्यार्थियों ने ऑलरेडी अप्लाई कर भी दिया है। और बात करेंगे इसी कॉलेज के बारे में, तो चलते हैं इस कॉलेज की, पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं कॉलेज का। तो दोस्तों देखिए, हालांकि आप में से बहुत बहुत भाई बंधुओं ने जो है अप्लाई कर दिया होगा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो इस वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखें कैसे अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊंगा। MB गोप्ट PG कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। ठीक है, तो टैबलेट वितरण योजना संबंधी सूचना। देखिए, महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने इतने 2021 दिनांक 4 जनवरी 2022 के अनुपालन में वर्तमान सत्र 2021-22 में जिन छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है वे विद्यार्थी उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक का विवरण MB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड बैंक डिटेल्स विकल्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर या जन्मतिथि के माध्यम से लॉग इन कर अपने बैंक का विवरण अंकित कर दें। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण सत्यापित कर, ठीक है, यानी जो भी आपका है उसको आप वेरीफाइड करेंगे वो, और जो स्टूडेंट द्वारा दिए गए जो बैंक खाते में टैबलेट खरीदने हेतु 12,000 प्रति छात्र जो है स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, यानी कि जो 12,000 की जो अमाउंट है वो छात्र के जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देखिए, विद्यार्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वेबसाइट पर अपना बैंक खाता संख्या या बैंक का नाम IFC भली भांति जांच करके अंकित करने के साथ बैंक पासबुक के प्रथम पेज की स्पष्ट फोटो, ठीक है, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड स्वयं का, ठीक है, स्वयं का आपका फोटो आदि अपलोड करें। यदि विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय के पोर्टल पर अपने बैंक का विवरण गलत दर्ज किया जाता है तो उसका दायित्व तो स्वयं विद्यार्थी का होगा। महाविद्यालय से टैबलेट खरीदने हेतु धनराशि प्राप्त होने के पश्चात विद्यार्थी को नवीनतम मॉडल एवं निम्न न्यूनतम विनिर्देश यानी स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप टैबलेट खरीदना होगा। डिस्प्ले, अच्छा, इसमें दे रखा कि आप टैबलेट कौन सा टैबलेट आप खरीदेंगे। डिस्प्ले 8 इंच और मोर, TFT कैपेटिव होना चाहिए और मल्टी टच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 होना चाहिए और इक्विवेलेंट प्रोसेसर क्वाड कोर स्पीड 1। तो ये इन्होंने दे रखा, रैम 2 GB होना चाहिए, इंटरनल मेमोरी 32 GB उसमें होनी चाहिए, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 4G लाइट, वॉइस 3 GB या 2G,
तथा खाते में रुपये प्राप्त होने की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर टैबलेट क्रय करके उसका GST युक्त बिल यह रसीद महाविद्यालय में जमा करना होगा। यदि विद्यार्थी के द्वारा धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भी उपरोक्त विवरण अनुसार टैबलेट क्रय करके महाविद्यालय में रसीद जमा नहीं कराई जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रसार। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ जो राशि आपको मिलेगी उससे आपको टैबलेट खरीदना ही खरीदना है और उसकी रसीद आपको GST बिल सहित आपको कॉलेज में जमा करनी है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने 12,000 आपके अकाउंट में आए और आपने टैबलेट नहीं लिया, वो कहीं और उड़ा दिए या कहीं और यूज़ कर दिए, आपको टैबलेट लेना ही लेना है, ठीक है। और इसका इन्होंने यहाँ पे बिल भी मांगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये तो था नोटिफिकेशन दोस्तों। अब इसके लिए जो है आप MBPG कॉलेज में अगर आप अध्ययनरत छात्र हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो लिंक मैं साइट में दे दूंगा, ठीक है। जो साइट का डायरेक्ट जहाँ से आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये है इसका जो लिंक है ये मैं आपको डायरेक्ट वीडियो में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस है आपको, ऑनलाइन एडमिशंस क्लिक केयर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली, दूसरा है इसमें ऑनलाइन एडमिशंस क्लिक केयर फॉर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तीसरा है इसमें अपलोड बैंक डिटेल। तो हमने थर्ड ऑप्शंस पे ही जाना है, अपलोड बैंक डिटेल्स पे जाना है। तो अपलोड बैंक डिटेल्स पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एक ID कार्ड प्रोवाइड किया गया होगा कॉलेज की तरफ से, उसमें आपका सबसे ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद आपको ये तो आपको मोबाइल नंबर डालना है या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ठीक है, दोनों में से आप एक। और उसके बाद उसको सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ स्टेप्स हैं क्योंकि मेरे पास अभी जो है किसी स्टूडेंट्स का जो है ID कार्ड जो है नहीं है। यहाँ पे देखिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जो इन्फॉर्मेशन है आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो वहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का जो IFC कोड डालना है, बैंक का नाम ब्रांच नेम वहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अपने जो पासबुक के जो फ्रंट पेज है उसका जो फोटो अपलोड करनी है JPG में, JPG या JPG फॉर्मेट में, और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये काम जो है जो बैंक की डिटेल्स आप डालेंगे उसको थोड़ा ध्यान से डालना, आराम से डालना, क्योंकि देखिए रिचेक करना, उसको गलत डाल देंगे तो वो जो अमाउंट है वो किसी गलत जो है बैंक के उसमें चले जाएंगे। इसलिए आपको जो है ध्यान से ये डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFC और बैंक नेम ब्रांच नेम, ठीक है, और इसको सक्सेसफुली सेव कर देना। तो इस तरीके से आप MBPG कॉलेज हल्द्वानी में आप जो है जो फ्री टैबलेट स्कीम योजना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।